वो है जो शरीर को जिंदगी के आखिरी दिन तक ताकत देता है। रहस्य जो है वो मौत तक छुपा रहना चाहता है। वैम्पायर की दुनिया में खून और रहस्य के एक ही मायने हैं। खून में कहानियों के अनुभव, मनोभाव और एक वैम्पायर के रहस्य छुपे होते हैं जब तक उसका जीवन अमर रहता है। वैम्पायर्स अपने खून को सबसे खास चीज की तरह रखते हैं। खून को गंवाना मतलब रहस्यों का खुलासा हो जाना। ये शिल्पा नाम के एक वैम्पायर के 50 साल तक पीछा करने की शुरुआत है। वो वैम्पायर को मारती है और उसका खून चखती है अपनी लापता बहन के सुराग को ढूंढने के लिए। अब वो जानती है कि जिस शहर में एक वैम्पायर के ग्रुप से बहुत कुछ जुड़ा है वो शहर है बैंकॉक। स्लो मोशन में जब भी मैं उसे देखता हूं मन करता है कि बस उसे देखता ही रहूं। ऐसा लगता है कि वक्त की चाल धीमी हो गई है। क्या मेरे दिल में जो उसके लिए फीलिंग है ये उसकी वजह से है? मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि अपने दिल की बात में क्या हुआ? इतना काम पड़ा है कौन करेगा? मुंह क्या देख रहे हो? काम पे लग जाओ। हाँ आ रहा हूं। हाँ जल्दी आओ। आओ बैठो यहां। ये लो, ये सारा काम तुम्हें ही करना है, समझ गए ना? मैं और भी ला रहा हूं। तुम एकदम निठल्ले हो गए। ये लो। अरे कहां चला गया? ओहो, लड़की के चक्कर में पागल हो गया है, पता नहीं कहां गया। अब ये सब मुझे ही करना पड़ेगा क्या? क्या हो गया है तुम्हें? जब देखो तुम हंसते ही रहते हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या हुआ? तुम्हारा दिल ड्रम की तरह धड़क रहा है। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है।
मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और वो वैम्पायर्स के बारे में है। क्या? एक इंसान और वैम्पायर के बीच क्या प्यार हो सकता है? बहुत ज्यादा। हाँ, कैसे? सच में हो सकता है? ज्यादातर इंसान को दूर रखा जाता है। हाँ, पर ऐसा क्यों करते हैं? वैम्पायर के पास दिल नहीं होता। मेरा मतलब, वैम्पायर के दिल में इंसानों के लिए फीलिंग नहीं होती। हम लव और कनेक्शन ब्लड लाइन से महसूस करते हैं। इंसान से प्यार करने से अच्छा है कि हम कुछ अच्छा करें। अच्छा, लेकिन अगर कोई इंसान किसी वैम्पायर को मतलब पसंद करना शुरू कर देता है तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे वैम्पायर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं उनके बारे में जानता भी नहीं हूँ। उस इंसान को संभल कर रहना होगा। अगर उसे सच में प्यार हो गया है और अगर वो साथ रहना चाहता है तो। ओ, ये तो अच्छी बात है ना। तो काटना पड़ेगा। अच्छा, काटना पड़ेगा। तो काटने की शुरुआत कहां से? क्या मैं यहां बैठ सकती हूं अगर तुम चाहो तो? मेरा पेट भर गया है, मैं जा रही हूं। क्या कर रहे हो? ओ, कितना यमी है। ये मेरे पास भी है, देखो ना कितने सारे हैं। ये लो तुम खाओ। थैंक यू। सेहत के लिए अच्छा है। उस होटल के नीचे का नाइट क्लब। हाँ, वो किसी फॉरेनर का है। मैंने उसकी लोकेशन ढूंढ निकाली है। मुझे लगता है कि वो क्लब यहीं कहीं होगा। तुम पुलिस वाले बन सकते हो। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पुलिस वालों को मुझसे बेहतर काम करना आता है। ये खत्म होने के बाद हम चलते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अलग होना होगा। जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम अपना काम करेंगे और तुम अपना गोल पूरा करो। अब शिल्पा, तुम अपना ध्यान रखना। यही वो रूम है।
कैसे हो सकता है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें उस लोकेशन के बारे में खून से पता चला था, तो वहां कुछ तो होना चाहिए, पर वहां कुछ था ही नहीं। और किसी से पूछना भी बेकार है। वहां रूम में जो कुछ भी सामान है वो हमारे किसी काम का नहीं है। हे, तुम्हारे पास और कोई सुराग नहीं है? नहीं। इसका कोई ना कोई हल होना चाहिए। Hey Susan, अब से हमें हर हॉस्पिटल पे हर दिन नजर रखनी होगी। हाँ, आपने सही कहा सर। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रहा तो हमें इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोर हो गया सर, आप इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। ये आपका ही प्लान है। क्या कहा तुमने? मैं वीक हूं। नहीं सर, मैंने ये तो नहीं कहा। सर उधर देखिए, वो लोग आ गए। हर रात को ये एक वैन है जो सीसी कॉर्पोरेशन के हर हॉस्पिटल में आती जाती है। सुजन, ये सिचुएशन एनालाइज करो। मुझे लगता है ये लोग ड्रग्स डिलीवर कर रहे हैं। ड्रग डिलीवरी? ये लोग नर्स की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहे। मुझे तो ये सब लोग गैंगस्टर्स लग रहे हैं। मुझे लगता है इनके पास हथियार भी हैं। क्यों, तुम तो कमजोर नहीं हो ना? नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। ओके, आज के लिए इतना काफी है। तुम्हें मरना है क्या? रुक जाओ शिल्पा।
to be.